तो बाबू हम लोग कल डिस्कस किए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक जीरो दिया हुआ था, अदर जीरो सारा था निकालने के लिए, या क्यूबिक पॉलीनोमियल का भी जीरो दिया हुआ रहता था, जीरो से हम क्या करते थे फैक्टर निकाल लेते थे, उस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके दिए गए पॉलीनोमियल को डिवाइड कर लेते थे, जो क्वेश्चन आ रहा था उसका फैक्टराइज करके अदर जीरो निकालते थे। ये इससे पहले पढ़ चुके हैं। यस सर। हेलो। आज एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2 सी आर एस अग्रवाल का ही है, एक्सरसाइज 2 सी का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू करा फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और उसका एक जीरो टू दिया हुआ है, तो करा के का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो कैसे फाइंड करेंगे। एक बात बताओ, अगर ये इस पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है सॉल्यूशन देखिए क्या है दिया हुआ है, px इक्वल टू मान लीजिए कि ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, याद कीजिए 9th क्लास को याद कीजिए, जीरो पॉलीनोमियल में वो बताया गया होगा कि ये पॉलीनोमियल का ये फलाना जीरो है या नहीं, ये पॉलीनोमियल का ये जीरो है या नहीं, तो हम क्या करते थे कि इसे x की जगह पे ये जीरो को डाल देते थे, अगर डाल देने पर रिमाइंडर जीरो आता था तो बताते थे जीरो है, करते थे या नहीं करते, रिमाइंडर सर करते थे उसी तरह। अगर हमें x का वैल्यू टू सवाल कह रहा है कि ये जीरो है, तो जो है इस पॉलीनोमियल का जीरो है, अगर ये जीरो है बाबू जीरो है एक के जगह पे एक का जगह पे टू डाल दो, टू का स्क्वायर 3 × 2 डाल दिए प्लस के, अगर ये जीरो है तेना इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक का वैल्यू टू डाल में तो जीरो हो जाएगा, अगर पॉलीनोमियल का जीरो होगा तो यस सर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना है 4 6 × 0 = −6 इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सवाल क्या रहा था? जीरोज का क्वाड्रेटिक, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ये जीरोज है, तो ठीक है हम ठीक है कोई बात नहीं है, तो ये पॉलीनोमियल में x का वैल्यू अगर हम जीरो डालेंगे टू डालेंगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो k का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो यानी आर एस अग्रवाल का हम प्रीवियस हम आपको कंक्लूड करके बता दे रहे हैं कि इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है, इसमें 2C आपका खत्म हो गया है, ये आर एस अग्रवाल का एनसीईआरटी का कल मंगवाए थे ये एक्सरसाइज, उसमें जो है कुछ इंपोर्टेंट ये देखना था। देखो बाबू एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करें, आर एस अग्रवाल का जितना तक का क्वेश्चन था वो हम बता दिए हैं और हम कंक्लूड करेंगे तो आपको समझ में आया कि हाँ सर पूरा बता दिए हैं या नहीं, तो हम दोनों लेकर के चल रहे हैं ताकि अभी मेरे पास टाइम है, ताकि हम लॉकडाउन होते हुए भी हम लोग अपना क्लास को चालू रख रहे हैं तो हम लोग के लिए बेनिफिट है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, क्वेश्चन नंबर 3,
इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी देन फाइंड ए एंड बी ए और बी को कह रहा है फाइंड करने के लिए. देखो अब क्या कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल का जीरोस कितना दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल एक जीरो दिया हुआ है ए माइनस बी दूसरा जीरो दिया हुआ है ए और तीसरा जीरो दिया हुआ है बाबू ए प्लस बी. तो कह रहा है ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए. क्वेश्चन ठीक है समझ दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन बाबू. यस सर दिखाई दे रहा है. पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है तो पहले बताओ एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बताइए इस पॉलिनोमियल का हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि कोएफिशिएंट सब बताइए ए इक्वल टू कितना होगा बाबू इस पॉलिनोमियल में कितना होगा बाबू माइनस थ्री थ्री माइनस लगा हुआ ना माइनस थ्री और बी इक्वल टू कितना होगा बाबू यानी हम क्या किए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट मालूम कर लिए कोई दिक्कत इसमें. और हमको अल्फा दिया हुआ है बाबू अल्फा दिया हुआ है ए माइनस बी बीटा दिया हुआ है बाबू ए और गामा दिया हुआ है बाबू ए प्लस ये दिया हुआ ए अल्फा दिया हुआ ए माइनस बी बीटा दिया हुआ है ए और गामा दिया हुआ ए प्लस बी. एक बात बताओ हम तो रिलेशन बताए थे ना जीरो ज्यादा कोएफिशिएंट में जीरो कोएफिशिएंट में रिलेशन बताए ना जीरो बाबू की अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए ये रिलेशन बताए थे. यस सर अल्फा बताओ बाबू क्या लिखे अल्फा की जगह पर लिख दिए माइनस बी अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी लिख दिए प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू ए और गामा का वैल्यू कितना है बाबू ए प्लस इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बाई ए बी मत बोलो सब यार बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है म्यूट कर लिया बाबू. ये ए और बी और ये कोएफिशिएंट का ए और बी दोनों अलग चीज है. अगर तो एक चीज रहा तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू डाल सकते थे कि नहीं डाल सकते थे. ये ए और बी अलग चीज है ये ए और बी अलग चीज है ठीक है. ये आपका ए बी जीरो लिखना कोई जरूरी है क्या कितना निकल गया फिर आगे कर करके हम एक और रिलेशन बताते हैं. पहला रिलेशन हम इस्तेमाल किए हैं दूसरा रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू जानते ना माइनस बी बाई ए. यस सर यस सर अल्फा इंटू गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए अल्फा का वैल्यू है बाबू ए माइनस बी और बीटा का वैल्यू है ए और गामा का वैल्यू है बाबू ए प्लस बी. गामा का वैल्यू ए प्लस बी अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी बीटा का वैल्यू ए तो हम पुट कर दिए इक्वल टू माइनस डी बाई ए. डी का वैल्यू कितना है बाबू डी का वैल्यू वन वन ए का वैल्यू कितना है बाबू वन. अब एक बात बताओ ये देखने से क्या लग रहा है ये दोनों को देखने से क्या लग रहा है क्या बोले बाबू क्या डाल रहा है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी देखने से क्या लग रहा है तुम्हारे मन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते सर चलिए क्या ए माइनस बी ए प्लस बी को लिख सकते
ए परमानेंस बी स्क्वायर यस सर यस सर यस सर लिख दिए और उसको लिख देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिक्कत इसमें इक्वल टू माइनस वन बाई वन फाइनल लिख दो दिक्कत माइनस वन अपन वन को क्या लिख सकते माइनस वन अब एक रहो हम निकाल के ना बाबू कितने निकाले हैं वन तो पुट वन यहाँ कर दिए वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो वन से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो जोड़ जोड़ा जाएगा वन एस पर वन माइनस बी एस पर इतना होगा वन से ये मल्टीप्लाई होगा तब आ जाएगा वन का एस पर वन माइनस बी का पर बी एस पर इक्वल टू माइनस वन ये प्लस वन इधर जाएगा क्या होगा उधर बाबू माइनस वन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन और ये प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा यस सर माइनस वन माइनस वन माइनस से माइनस कट जाएगा बाबू स्क्वायर हटेगा बी का स्क्वायर इक्वल टू टू हो गया पेपर हटेगा तो इसमें क्या आएगा रूट टू आएगा यस सर दिक्कत है नो सर देखो अब कह रहा था कि एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और इसका जीरो दिया हुआ है ए माइनस बी दूसरा जीरो दिया हुआ है ए और तीसरा जीरो दिया हुआ है ए प्लस बी तो हमको कह रहा है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम पॉलीनोमियल को उतार लिए उसका कोफिशिएंट सम हम उतार लिए ए का वैल्यू मालूम हो गया बी मालूम हो गया सी मालूम हो गया डी मालूम हो गया और हमको पहला जो जीरो दिया उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा इक्वल टू मालूम हो गया ए माइनस बी दूसरा जो जीरो दिया उसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है बोल दीजिए और तीसरा जो जीरो दिया हुआ उसको गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है ए प्लस बी और हम एक रिलेशन जानते हैं कोफिशिएंट और जीरो के बीच में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी भी आई है तो हम अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू गामा के जगह पे गामा का वैल्यू डाल दिए इक्वल है तो इक्वल डाल दिए माइनस तो माइनस थ्री का वैल्यू यहाँ कितना था कॉफी में माइनस थ्री बाकी का वैल्यू कितना था वन वन डाल दिए सॉल्व करके एक का वैल्यू निकाल दिए फिर हम दूसरा रिलेशन जानते थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस बी बाई फिर हम अल्फा के जगह पर अल्फा का वैल्यू बीटा के जगह पर बीटा का वैल्यू गामा के जगह पर गामा का वैल्यू और डी के जगह पर डी का वैल्यू ए के जगह पे ए का वैल्यू डाल दिए फिर इसको सॉल्व किया यहाँ देखिए क्या ये नजर आ रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी नजर आ रहा है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बाहर में ए यहाँ लिख दीजिए यानी ये दोनों मतलब करके ये लिखा है और ए ए यू कर दिया और जहाँ जहाँ ए का वहाँ वहाँ ए का वैल्यू वन पुट कर दिया तो ए का वैल्यू वन कर दी यहाँ वन ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो वन से कोई चीज मल्टीप्लाई होता वन नहीं हो रहा वन का स्क्वायर वन माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो माइनस बी स्क्वायर अपने जगह पे है प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू माइनस से माइनस टू का दिए स्क्वायर हटेगा क्या आएगा रूट आएगा बी इक्वल टू टू तो ए का वैल्यू निकल गया वन तो बी का वैल्यू कितना निकल गया बाबू रूट टू इसमें किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम चलो इस पर भी हम घुमा करके क्वेश्चन देंगे हम लोग को लगेगा कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता दिए हम लोग कैसे बनेंगे हम भी घुमा करके देंगे जो बता रहे हैं तुमको नहीं लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये तरह का नहीं सॉल्व किया सर हाँ बोल बाबू ये एक्सरसाइज 2.4 का था 3.4 का नहीं ओ सॉरी हाँ वेरी गुड अच्छा 2.4 ही हाँ पॉलीनोमियल सेकंड चल रहा है ना तो 2.4 में हम ये निकाल लिए क्वेश्चन नंबर फोर का हम हिंट दे देते हैं वो आप लोग निकाल लीजिएगा ठीक है क्या क्या इफ टू जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल x4 to the power 4 minus 6x3 minus 26x2 plus 138 or minus 35 r 2 plus minus root 3 find r zeros yes sir एक बात बताओ बाबू ये पॉलीनोमियल है कौन सा हम ये दे रहे हैं सॉल्व नहीं करेंगे x टू द पावर 4 माइनस 6x3 माइनस 26x2 प्लस 138x माइनस 35 यही पॉलीनोमियल है आप लोग म्यूट होकर अनम्यूट होकर एक स्टूडेंट बताइए कि इस पॉलीनोमियल का कितना जीरोज निकलेगा इस पॉलीनोमियल का कितना जीरोज निकलेगा 4 जीरोज निकलेगा
वेरी गुड, इसका 4-0 निकला क्योंकि इसका डिग्री जो है कितना है, 4 है, इस पॉलीनोमियल का डिग्री 4 है, ठीक है। तो जिसका जितना डिग्री होता है उसका 0 जितना ही निकलता, अगर क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है उसका 2 0 निकलता, क्यूबिक है उसका 3 निकल रहा है, इसका पावर 4 है, मैं डिग्री 4 है इसलिए इसका 0 निकलेगा 4, यानी क्या 0 निकलेगा ऐसा, जिसमें से 2 0 दिया हुआ, इसमें का एक वैल्यू दिया हुआ 2+√3 और x का एक वैल्यू दिया हुआ 2-√3, प्लस माइनस लिखा हुआ ना बाबू, प्लस माइनस, यस सर, यस सर, यस सर, एक वैल्यू है 2+√3 और x का एक वैल्यू है 2-√3, इसको डेट इंप्लाई करके हम यहीं पर एक्सटेंड कर देते हैं। एक बात बताओ, 2+√3 इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, एक माइनस 2-√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यस सर, उसी तरह सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, माइनस 2 √3 इधर आएगा तो +√3 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा बाबू। एक बात बताओ, इस दोनों फैक्टर को, ये फैक्टर को और ये फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो पॉलीनोमियल आएगा उस पॉलीनोमियल से ये क्यूबिक ये वाला पॉलीनोमियल को डिवाइड कर देंगे, क्वाड्रेंट जो आएगा वो क्वाड्रेटिक में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को तोड़ना आता है ना, तोड़ लोगे ना, यस सर, सॉल्व करके दिखा दे रहे थे, x माइनस 2-√3 इंटू x माइनस 2+√3 बोले थे ना मल्टीप्लाई कर देने के लिए, मल्टीप्लाई होगा फिर ये माइनस टू सी एनो मल्टीप्लाई होगा, ये फिर माइनस टू सी ए से ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक से एक मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक से स्क्वायर होगा, एक से माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स होगा, एक से √3 मल्टीप्लाई होगा बाबू √3x हो जाएगा, अब माइनस टू से एक मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू से माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा, माइनस टू से +√3 मल्टीप्लाई होगा माइनस √3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाई, अब माइनस √3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √3 से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √3 एक्स हो जाएगा, माइनस √3 से माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो +√3 हो जाएगा, माइनस √3 प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हुआ, और टू से √3 मल्टीप्लाई √3 और माइनस प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, अब एक बात देखो बात क्या, +√3 एक्स माइनस √3x कैंसिल, माइनस +√3 कैंसिल, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म देखो कहाँ का है, यहाँ एक्स वाला टर्म और एक्स वाला टर्म यहाँ है, माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा प्लस फोर, प्लस 4x और कॉन्स्टेंट वाला टर्म देखो, कॉन्स्टेंट वाला टर्म देखो 4 यहाँ है और माइनस 3 यहाँ है, प्लस 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस 1 हो जाएगा, और पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल माइनस 4x, इस पॉलीनोमियल से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर जो कॉन्स्टेंट आएगा बाबू वो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की टर्म में ही आएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को तोड़ लेना आप, कोई दिक्कत हो जाएगा ना, इससे पहले हम बता देते बाबू और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज्यादा है, और एक बात हम आप लोग से पूछना चाह रहे थे बाबू, क्योंकि हम तो पढ़ाए जा रहे हैं मगर आप लोग से पूछना ये था, क्योंकि पिछले साल से मैथमेटिक्स में 2 स्टैंडर्ड हो गया, एक बेसिक और एक हो गया स्टैंडर्ड, है ना, किस तरह का क्वेश्चन कितना परसेंट पूछेगा, किस तरह का क्वेश्चन कितना परसेंट पूछेगा, ये क्लियर होना चाहिए ना बाबू, अब बेसिक में किस तरह परसेंटेज होगा वो दोनों चीज हम कल आपको बता देंगे, ओके सर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाबू उसको उतार लेते हैं हम, ओके 4 तो हो गया चलो, नहीं 5 होगा सर, यस सर 5 इस पॉलीनोमियल, इस चार पॉलीनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस
another polynomial x square minus 2x plus a. Reminder comes out. The reminder comes out to be x plus a find a and b x plus a find k and भाग के मंचलान जिने k में कौन दे दी थी निकाले थी देखो बाबू क्या कह रहा है आप तो न्यूट हो जाइए बाबू ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आटा फैक्टर किसी बच्चे से बनाएंगे नो सर हमारा सर ओके तो आप म्यूट हो जाइएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा भारी नहीं है आप लोग को थोड़ा ये के और यहाँ एक्स प्लस ए रिमाइंडर आया होगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मगर करेंगे तो आपको समझ आए वो इतना इजी तरीके से ये बढ़ता है जो रूल है भाई रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे रूल के खिलाफ जा नहीं सकते इफ द पॉलीनोमियल एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10 ये पॉलीनोमियल को एक दूसरा पॉलीनोमियल है कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इससे यानी अदर पॉलीनोमियल से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बाबू x प्लस ए आ रहा है x प्लस ए हो रहा है x प्लस ए हो रहा है तो बोल रहा है k का वैल्यू फाइंड करने के लिए और a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या जो है k है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए और यहाँ रिमाइंडर में जो ये है इस a का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है तो एक बार बताओ सवाल आ रहा है ना कि इतना से इतना को डिवाइड करना है करना yes, इतना से इतना को डिवाइड करना है हम इसको yes, डिवाइड करते हैं देखो बस कितना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के प्लस के डिवाइड करते हैं एक्स टू पावर फोर माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10 कोई दिक्कत इसमें ये पॉलीनोमियल से क्या है पॉलीनोमियल डिवाइड करते हैं कोई दिक्कत नहीं अब एक बात बताओ बाबू आप इसको जानते ही होइएगा कि x स्क्वायर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 होगा x स्क्वायर से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर * x स्क्वायर x टू द पावर 4 x स्क्वायर माइनस 2x तो कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x और फिर एक्स स्क्वायर k से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस एक्स टू दी पावर फोर कैंसिल हो गया अब एक बार बताओ आपको माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब तो कितना माइनस फोर एक्स क्यूब हो जाता एक बार बताइए कि ये दो टर्म ए जैसा ये दो टर्म ये प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर है प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर इसको ऐसा लिख सकते हैं किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं सिक्सटीन माइनस के सिक्सटीन माइनस स्क्वायर इतना कॉमन कर लिए दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए और सिक्सटीन माइनस के कर दिए क्योंकि कोई नंबर नहीं है जो हम पता है तो मर्ज करके देंगे बाबू ये सिक्सटीन है ये के है इसीलिए माइनस करके लिख दे सिक्सटीन माइनस के और एक्स स्क्वायर कॉमन करके लिख दे कोई दिक्कत इसमें नो सर उसके बाद लिखा हुआ माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन कोई दिक्कत इसमें अब बात फिर एक्स स्क्वायर को कितना मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स क्यू आएगा एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स क्यू आएगा माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर एक्स क्यू हो जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस फोर टू इसमें भी निकाल लीजिए ऐसा होगा हाँ सर देखो सिक्सटी माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस एट एक्स स्क्वायर
तो हम क्या ये एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए और 60 माइनस के भी लिखिए और माइनस एट भी लिखिए, कोई दिक्कत इसमें? यानी 60 माइनस के स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर को लिख सकते, 60 माइनस के माइनस एट ब्रैकेट दे करके एक्स स्क्वायर लिख दें। यस सर। क्या बोले सर, फिर तो बोलिएगा फिर से। ये देखो माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यस सर। यहाँ पे हम समझा रहे माइनस के स्क्वायर लिखा हुआ है, इस दोनों का इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 माइनस 8 इक्वल कितना होगा, 16 माइनस 8 तो 8 हो जाएगा। एट माइनस के कोई दिक्कत आप लोग को? नो सर। नो सर। बहुत ज्यादा यहाँ देखो लिखा हुआ माइनस 25 एक्स लिखा हुआ है, अलग से पहले समझ लेते उसका माइनस 25 एक्स लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है 4 के एक्स ये लिखा हुआ था वो। यस। दोनों से फिर हम एक्स कॉमन कर लेते तो क्या बनेगा बाबू, माइनस 25 और प्लस 4 ये होगा। एक्स कॉमन करिए तो माइनस 25 प्लस 4 के लिख दे, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। लिख देते प्लस माइनस 25 प्लस 4 के इंटू एक्स प्लस 10 है प्लस 10, ये प्लस 10 है प्लस 10 निकाल ले, कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ बाबू एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 8 के आएगा? माइनस 2 8 माइनस के, तो यानी आपको मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 8 माइनस के से, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बाबू 8 माइनस के एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है? फिर देखो बाबू यहाँ प्लस माइनस 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 फिर क्या हो जाएगा, 8 माइनस कितना लगा था 2, ऐसा देखो यहाँ लिखा है 2 इंटू 8 माइनस के एफ लिखा गया, 8 माइनस के 2 से भी अलग हो गया और एफ भी लिखा गया, कोई दिक्कत में? फिर उसके बाद 8 माइनस के k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस k इंटू 8 माइनस k, कितना लिखाएगा k इंटू 8 माइनस k। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक का जाएगा बाबू आपका, कोई दिक्कत में? नो सर। अब बात करो बाबू इस दोनों दोनों एक वाला टर्म है, इसमें हम लिखते हैं माइनस 25 प्लस 4 के ऊपर लिखा हुआ है माइनस 25 प्लस 4 के और ये है प्लस क्या करके लिख देते प्लस 2 इंटू 8 माइनस के इतना लिख सकते हैं बाबू, ये बालू को यहाँ उतारिए आप प्लस 2 इंटू 8 माइनस के अब दोनों में से एक कॉमन कर ली, कोई दिक्कत इसमें? दोनों वाला टर्म है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, दिक्कत इसमें? अब कुछ नहीं करना है, अब खाली देखते रहो इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं, माइनस 25 लिखा हुआ है वो प्लस 4 के लिखा हुआ है प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 16, 2 से माइनस के मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 के होगा। अब एक बार तो इसको मान करते हैं माइनस 25 प्लस 16 तो माइनस 25 प्लस 16 कितना होगा बाबू, माइनस 9 प्लस 4 के प्लस 2 के प्लस 4 के माइनस प्लस 2 के और एक सर एक, तो दिक्कत इसमें? यानी इतना की जगह पे बाबू इतना की जगह पे हम फाइनल ए वाला लिख दें माइनस 9 प्लस 2 के एक्स, तो दिक्कत? यस कोर्स नो प्रॉब्लम। चलो ऐसा ना कर ले कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर कितना है बाबू, रिमाइंडर कितना आया माइनस 9 प्लस 2 के प्लस कितना आया, रिमाइंडर कितना आया प्लस 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, इतना आया ना ऐसा रिमाइंडर आया। अब नहीं कर सकता क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ये एक्स है, इसका पावर यानी डिवाइडर का पावर ज्यादा है और रिमाइंडर लास्ट ये जो है डिविडेंड का पावर कम है, तो कब लगेगा डिवाइडर का पावर एक्स स्क्वायर है यहाँ वन है तो न लगेगा, अब तो ये आप रिमाइंडर ना हो गया, रिमाइंडर हो गया कोई दिक्कत है? अच्छा चलो हम इसको थोड़ा मिला रहे जगह है नहीं तो हम ये ऊपर तक तो समझ में आ गया होगा, ये रिमाइंडर को खाली हम छोड़ लेते हैं।
रिमाइंडर कितना है बताओ तो, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया बाबू आपको माइनस नाइन प्लस टू के इंटू एट, कितना आया है ये आया है प्लस टेन इंटू माइनस के इंटू एट के, कितना है ये ना है। चलो इसको अब मैं सीरियस कर लेते, ये रिमाइंडर ऑलरेडी हमको सवाल दिया हुआ था कि रिमाइंडर इतना आ गया था, दिया हुआ है क्वेश्चन पे अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक्स के इक्वेट कर लेंगे और ए वाले को इस कॉन्स्टेंट के इक्वेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू खींच लेते हैं, यानी माइनस नाइन प्लस टू के इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत इसमें, एक्स वाले को एक्स इक्वेट कर दिए, अब ये से ये कट जाएगा बाबू, ये से कट जाएगा, तो माइनस नाइन प्लस टू के इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, वन होगा, वन बचा, डिवाइड होने पर क्या बचता, वन बचा ना, टू के इक्वल टू क्या होगा वन, माइनस नाइन निकल जाए तो प्लस नाइन, टू के प्लस नाइन होगा टू फाइव, टू फाइव टेन फाइव, यानी के का वैल्यू निकल गया, वो कितना निकला फाइव, के का वैल्यू कितना निकला फाइव, फाइव फाइव, वेरी गुड, तो के का वैल्यू निकल चुका है, चलिए अब ए का वैल्यू निकालना, के इक्वल टू कितना लिखा हुआ है बाबू, ए इक्वल टू टेन माइनस के माइनस, ये लिखा हुआ है बाबू, ए को इसके इक्वल किया है ना, जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ फाइव पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, फाइव पुट कर देंगे, तो ए